Dharm Yoddha Garud. Kapoorvati? इतने दुखी हो कि अश्रु गिर रहे हैं और तुमने हमें बताया तक नहीं। बताओ क्या बात है? दासी के जीवन की समस्याओं में अपना समय नष्ट ना करें महारानी। कपूरवती, आपके उद्यान भ्रमण का समय हो रहा है महारानी। मैं पंखा झलने वाली को बुलाती हूँ। केवल दासी नहीं हो तुम, हमारी बहन जैसी हो। और तुम जानते हो कि हम तुम्हें ऐसी अवस्था में नहीं देख सकते हैं। बताओ ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाया जा रहा है? यदि हमारे सामर्थ्य में होगा तो हम तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। जो मैं चाहती हूँ महारानी वो संभव नहीं है। वो सब हम पर छोड़ दो, केवल अपने मन की बात बताओ। दीदी, बचपन से ही मैंने एक स्वप्न देखा है, मेरा विवाह किसी राजा से हो और मैं उनकी रानी बनूं। जन्म के बाद से जो कष्ट मैंने सहे, मैं नहीं चाहती कि उनकी छाया भी मेरी संतानों के भाग्य पर पड़े। और इसके लिए मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा, हर ढंग से अपने आप को किसी राजा के योग्य बनाने का प्रयास किया है मैंने, किंतु मेरे भाग्य ने मेरे परिश्रम को पारिश्रमिक दिया ही नहीं, मैं सेविका बनकर ही रह गई। मेरा एकमात्र स्वप्न अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। हमारे रहते ऐसा कभी नहीं होगा, हृदय से बहन माना है तुम्हें। और प्रथा के अनुसार दो बहनों का विवाह एक ही पुरुष के साथ हो सकता है। हम करवाएंगे तुम्हारा विवाह महाराज बुद्धि से इनसे। कहीं मेरी आशा टूट ना जाए, आप वचन दीजिए मुझे। वचन देते हैं हम तुम्हें, तुम शीघ्र ही रानी बनोगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.